हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी कैनी। तो आप लोग मुझे बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि मेरी और राहुल की वीडियो क्यों नहीं आ पा रही है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने के लिए बैठी हूँ। तो ऐसा होता है कि सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, पर्सनल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा डीप डाउन जाके नहीं बता सकती हम दोनों से रिलेटेड। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे मेरी और राहुल की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं सबके। इवन मेरे को खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी जब मैं वीडियो शूट करती थी उसके साथ। और बाकी हम आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस हमारी फैमिली में कुछ इशूज़ के कारण हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं और शायद अब कर भी नहीं पाएंगे जो हम करते थे पहले। बट हाँ, इस चीज़ के लिए मैं बोल सकती हूँ कि जब वो चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड हो जाएंगी तो फ्यूचर में हम आपको अच्छे दोस्त की तरह ज़रूर नज़र आ सकते हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं बता सकती क्योंकि पर्सनल इश्यूज हैं, मैंने शुरू में भी बोला था। और मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि पर्सनल इश्यूज सबकी लाइफ में होते हैं, तो कोई भी नहीं इतना ज़्यादा सोशल होके बता सकता है उस चीज़ को। बट हाँ, मैं हमेशा से यही चाहती हूँ, हम दोनों अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं हमेशा से यही चाहूँगी कि आप उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो और जैसे मुझे प्यार करते थे वैसे ही मुझे प्यार करो, उसे जैसे प्यार करते थे उसे भी वैसे प्यार करो। और लाइफ में अप्स डाउन चलते रहते हैं, शायद कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती वो हमें नहीं मिलती हैं, या कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती वो हम नहीं कर पाते हैं साथ में, तो शायद हम साथ नहीं आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। इस चीज़ का आप लोग को दुख है, मुझे भी दुख है, उसे भी दुख है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ सेम वैसे ही प्यार करें जैसे आप पहले करते थे, और मुझे भी वैसे ही प्यार करें जैसे आप पहले करते थे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझेंगे मेरी चीज़ों को और उसकी चीज़ों को कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, फैमिली इशूज़ हैं, बाकी हमारी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों को बहुत सपोर्ट करती है और हमारी चीज़ें बहुत ठीक हैं। बट अभी चीज़ें नहीं ठीक हैं, अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से हम साथ में बहुत ज़्यादा बहुत रेयर दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं। तो होप सो कि फ्यूचर में हम आपको अच्छे दोस्त के तरह दिखेंगे स्क्रीन पे भी, बट फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता है। और जैसे मैं पहले उसके साथ वीडियोस बनाती थी, हम जैसे पहले रहते थे, हम उस तरीके से नहीं रह सकते हैं। तो बाकी प्लीज़ यार, आप लोग ऐसे ही प्यार करना उसको भी मुझे भी, और ऐसे ही सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हो, इतने सारे डीएम, जैसे सारे मैसेज देख के मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। बट फिर भी मैं आप लोग को यही बोलूँगी हाथ जोड़ के कि कुछ भी कैसे भी कैसा भी जज ना करें, और मतलब ऐसी चीज़ें कुछ भी ना लाएं दिमाग में। बस ये है कि एक मैच्योरिटी लेवल पे जाके, और हम बड़े हो चुके हैं, हमें खुद ही चीज़ें समझनी पड़ती हैं कभी कभी, और कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती, हमें वो भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हमने ये चीज़ें एक्सेप्ट की है एक मैच्योर लेवल पे जाके, और हमने चीज़ों को बहुत आराम से काम होके वो चीज़ें हमने ख़त्म करी हैं, और मतलब वीडियो बनाना भी हमने बंद कर दिया है। तो आप लोग भी प्लीज़ जज ना करें, और अब प्लीज़ मैं आशा करती हूँ आप लोग प्लीज़ कोई भी कॉमेंट नहीं करेंगे कि राहुल कहाँ है, कैनी कहाँ है, उसको भी नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं करेंगे। और जैसे हैं हम कोशिश करेंगे कि हम आपको और अच्छे से एंटरटेन करें, उस तरीके से नहीं, कुछ अलग तरीके से, और एंटरटेन करते रहेंगे आपको, बस आप लोग सपोर्ट करते रहना। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच, और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहें जैसे आप पहले मुझे प्यार करते थे, उसे प्यार करते थे, वैसे ही आप सेम हम लोग को प्यार करें। और जल्दी ही कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, और जो भी लेके आऊँगी दिल से, जो भी मैं हेल्प करके लेके आऊँगी, तो प्लीज़ उसको बहुत सारा सपोर्ट करना और उसकी वीडियोज़ को भी बहुत सारा सपोर्ट करना। तो बाय।